हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जो है तो करेंसी का एनालिसिस करेंगे। मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप सर करेंसी का एनालिसिस करते थे और अभी आपने बंद कर दिया। तो इस वीडियो में जो है तो हम शॉर्ट एंड स्वीट जो है तो सभी करेंसी जो मेजर करेंसी हमारी एनएससी पे ट्रेड होती है, यूरो INR, GBP INR, JPY INR और USD INR, इनका एनालिसिस करेंगे और इनमें क्या पॉसिबल ट्रेड हो सकते हैं वो देखेंगे। मैं करेंसी एनालिसिस क्यों नहीं करता था, क्योंकि जो डेटा था वो उतना सिग्निफिकेंट ट्रूथफुल नहीं था। जो ट्रेडिंग व्यू पे डेटा है वो OTC मार्केट का डेटा है और OTC मार्केट और फ्यूचर में कभी कभी प्रीमियम रहता है, कभी डिफरेंट इसमें जो है तो उसमें डिस्काउंट भी रहता है और वो उतना डेटा को फॉलो नहीं करते एक दूसरे का, तो उसके वजह से। मगर ये जो है तो एज अ रेफरेंस ले सकते हो आप, ये जो हमारी करेंसी रहती है, करेंसी फ्यूचर रहते हैं, ये इसको फॉलो करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए इसके वजह से ही मैं उसके एनालिसिस नहीं करता था। मगर एज अ रेफरेंस पॉइंट या फिर एक लार्जर ट्रेंड जो है तो वो बिल्कुल फॉलो करता है। तो उस हिसाब से आप जो है तो इन ये जो चार्ट एनालिसिस है उसको फॉलो कर सकते हो और उससे रेफरेंस ले सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट वी स्टार्ट विद यूरो INR। तो यूरो INR जो है तो आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो लगभग 2% नीचे ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। लास्ट मंथ भी हमने लगभग 0.5% का लॉस देखा था और एक रिकॉर्ड लो को हम ट्रेड कर रहे हैं यूरो INR पे, जो 82.56 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ जो है तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड है और हम बढ़ रहे हैं 81.50 के लेवल की तरफ। उसके बाद में 79 का भी लेवल आपको देख सकता है। और यहाँ करेंसी में एक बहुत अच्छी बात है कि एक बार ट्रेंड सेटअप हो जाता है तो वो कई दिनों तक चलता रहता है। यहाँ ट्रेंड जो है तो जल्दी से रिवर्स नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी करेंसी इज हैंडल बाय सेंट्रल बैंक। तो वो जो ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहता है। जो इंटरेस्ट रहता है, जो प्लेयर्स है उसमें, वो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स है, तो उसके वजह से ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ डाउन ट्रेंड है और यूरो जो है तो ऑन लॉन्गर टर्म चार्ट बढ़ रहा है 81.50 और 79 के लेवल की तरफ। वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ जो है तो हमें वही लेवल्स दिखेंगे और यहाँ जो है तो हम 200 वीक के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेरिश सीनारियो है यूरो के लिए और मुझे लगता है कि हमें रिकॉर्ड लो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। यहाँ क्लियर कट सेल सिग्नल है मीडियम टर्म चार्ट पे भी। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो हम ऑलरेडी जो है तो सभी टारगेट अचीव कर चुके हैं। अगर हम S3 के नीचे जाते हैं जो है लगभग 81.90, तो उसके नीचे जाते हैं तो आपको फ्री फॉल देखने को मिलेगा जो यूरो को लेकर जा सकता है 81 और 79 के लेवल की तरफ। तो यहाँ क्लियर कट सेल सिग्नल है चार्ट पे। अगर बाउंस बैक आता है तो फ्रेश जो सेलिंग बनती है वो बनती है 83.75-84 के अराउंड। तो उन लेवल पे अगर यूरो आता है तो वहाँ फिर से आपको फ्रेश शॉर्ट करने को मिलेंगे। करंट लेवल पे ओवरसोल्ड है, यहाँ मेरी शॉर्ट की राय नहीं होगी। एक तो बाउंस बैक आने दीजिए, या फिर आपका अगर ऊपर के लेवल पे शॉर्ट है तो उसको कैरी कर सकते हो। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है कि 81.90 और उसके बाद में 79 के लेवल जो है तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यूरो बहुत ही बेरिश चार्ट है डेली, वीकली और मंथली। अभी देखते हैं पाउंड। तो पाउंड जो है तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम ट्रेड कर रहे हैं फ्लैट नेगेटिव। लास्ट मंथ जो है तो 1.5% का लॉस देखा था एज कम्पेयर टू यूरो। पाउंड अभी भी जो है तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू स्ट्रांग लग रहा है। मगर यहाँ जो है तो हम पीओट के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ S1 का टारगेट अचीव कर लिया लॉन्गर टर्म। अभी जो है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा लगभग 97.70 का और उसके बाद में जो है तो 96.50 का। तो यहाँ 98 और 96.50 ये मुझे लगता है कि ये टारगेट जोन रहेंगे। अगर डीपर करेक्शन आता है तो पाउंड जो है तो 87 तक भी जा सकता है। करंटली उसकी संभावना कम लगती है, मगर मुझे लगता है कि 98 और 96.50 ये लेवल आपको पाउंड में देखने को मिल जाएंगे। वीकली चार्ट पे देखोगे तो इस वीक जो है तो पाउंड गेन के साथ बंद हुआ है लगभग 0.74%। लास्ट दो हफ्तों के बाद में हमने यह पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, मगर ये भी धीरे धीरे उसके जो 200 वीक का एवरेज है उसके तरफ बढ़ रहा है जो है 96.60 के अराउंड। तो ये आपको क्लियर कट टारगेट दिखेगा। जो जैसे मैंने कहा हम 98 और 96.50 के टारगेट जो है तो पाउंड में आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऊपर जो है तो 101 का लेवल जो है तो फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए अच्छा लेवल रहेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। डेली चार्ट पे देखोगे
तो डेली चार्ट पे यहाँ जो है तो हमने नीचे के लेवल देखे, अभी यहाँ रिकवरी का सिग्नल दिख रहा है, रिकवरी देने के बाद फिर से जो है तो पाउंड, तो यहाँ आप जो है तो 101 के अराउंड अगर पाउंड मिलता है तो आपको शॉर्ट जाना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 98, उसके बाद में 96.50। तो इन दो टारगेट के लिए आप पाउंड में शॉर्ट जा सकते हैं, मगर आपको शॉर्ट करना है 101 के अराउंड, उस लेवल के अराउंड आपको शॉर्ट मिलता है तो शॉर्ट कीजिए। यहाँ भी ये करेक्टिव पैटर्न है और लॉन्गर टर्म चार्ट पे जो है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ऑलरेडी, या फिर लॉन्ग टर्म करेक्शन भी बोल सकते हो पीओट के नीचे, तो हमें उसे डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करता हूँ। अभी देखते हैं जेपीवाई आईएनआर का, तो जेपीवाई आईएनआर जो है तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ जो है तो सेलिंग हो रही है, तो यहाँ शार्प सेलिंग है और ये जो है तो ये रिकॉर्ड लोज की तरफ बढ़ रहा है। जो आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हमने 2018 में रिकॉर्ड लो देखा था लगभग 56 रुपीस का, 56-57 का, और उससे पहले जो रिकॉर्ड लो था वो था लगभग 51 रुपीस का जो 2015-16 में था, तो उसके तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मंथली चार्ट पर लगभग सभी टारगेट जो है तो अच्छी हो चुकी है, सिर्फ अभी जो है तो शायद मुझे लगता है कि 60 रुपीस टच करना बाकी है, तो 60 को टच करता है, अगर 60 के नीचे आता है तो आपको यहाँ जो है तो शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो इसको लेकर जा सकता है 58, 56 और 51 के लेवल की तरफ। अगर यहाँ से रिकवरी आती है 60 के यहाँ से तो आपको जो है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर 60 पे रिवर्सल आता है तो, वो हम आने वाले हफ्तों में भी देखेंगे कि रिवर्सल आता है कि नहीं। करंटली मुझे लगता है कि ये 60 रुपीस की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही वीक है, बहुत ही बेरिश चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरह से आप लास्ट 6 हफ्तों से इन जो है तो गिरे ही जा रहा है, और हमने लगभग ये लेवल था जिसका हाई था 67 से लगभग 60 रुपीज़, तो 7 रुपये, तो 10-12% तो ऑलरेडी जा चुका है, और यहाँ सिर्फ अभी उम्मीद बची 60 का टारगेट। अगर 60 के नीचे जाता है तो यहाँ आपको सुपर बेयरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा और बहुत ही नीचे के टारगेट एन में आ सकते हैं, तो यहाँ भी वीकनेस है, यहाँ भी आपको शॉर्ट साइड रहना चाहिए, मगर दिक्कत ये है कि ये टारगेट के अराउंड है तो यहाँ शॉर्ट भी करना बहुत ही इतना आसान नहीं होगा, अगर करना भी है तो आपको इंट्राडे भी करना होगा, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि एन जो है तो बहुत नीचे के लेवल दिखा रहा है और ये लेवल बिल्कुल आ सकते हैं, तो यहाँ आपका जो पहला टारगेट रहेगा 60 रुपीज़ और उसके बाद में लगभग रहेगा 58 रुपीज़, तो 60 और 58 के लिए इस महीने जो है तो एन में शॉर्ट जा सकते हो। आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 61.50 के ऊपर तो आपको बाउंस बैक अगर मिलता है तो आपको वहाँ सेल करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ये, वो 61.50 के ऊपर रखना पड़ेगा, आपके टारगेट रहेंगे 60 और उसके बाद में 58 के टारगेट आपको जैपनीज लेन में देखने को मिलेंगे, और यहाँ क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, शार्प सेलिंग है, मोमेंटम है, दोनों भी नीचे के तरफ है, तो एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, अगर आप एक बाउंस बैक मिलता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट जा सकते हो। अभी देखते हैं यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर आप देख सकते हो कि जो मैंने टारगेट दिए थे लॉन्गर टर्म टारगेट उसके तरफ ही बढ़ रहा है। आप मेरा जो ईयरली का वीडियो है, मैंने ईयरली टारगेट ऑलरेडी जनवरी में एनालिसिस करके दिए थे, तो उस वीडियो में मेरे दो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, 77.20 का भी टारगेट अचीव हो चुका है, अभी जो टारगेट है नेक्स्ट टारगेट वो है 78 के ऊपर, तो 78.50 का टारगेट पकड़ के चलिए, उसके तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो है तो आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो लास्ट 4 मंथ से यूएसडी आईएनआर जो है तो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब जो है तो रुपी वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो हम 78 और उसके ऊपर के लेवल जो है तो देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और यहाँ ऑलरेडी हमारे जो दो इन्वेस्टमेंट टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, अभी जो है तो 78.50 का टारगेट यहाँ बचा है, ऊपर जो है तो फिर से 77 और 78.50 ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बुलिश ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डॉलर के लिए स्ट्रांग बुलिश है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट, तो इस वीक जो है तो यूएसडीएनआर लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ है, हमने दो टारगेट अचीव करने के बाद करेक्शन दिया और करेक्शन देने के बाद एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया है और फिर से रिवर्सल दिया है, तो यहाँ 77 और उसके बाद में 78.50 ये टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो आने वाले हफ्तों में, और जब तक ये 76 के ऊपर है
तब तक आपको लॉन्ग ही रहना है, लॉन्ग साइड के ही ट्रेड लेने हैं विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो वीकली चार्ट भी बुलिश है और यहाँ मुझे लगता है कि डॉलर जो है तो ऊपर के लेवल दिखा सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने S1 पे सपोर्ट लिया और अभी जो है तो पिवट क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ जो है तो बहुत ही बुलिश प्राइस पैटर्न है डॉलर के लिए और मुझे लगता है कि हमें 77, 77.50 और 78 के लेवल जो है तो इसी महीने में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपको बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है। जब तक USD/INR 75 के ऊपर है, 75.75 के ऊपर है, तब तक आपको हर एक डिप्स बाय करना है। आपका पहला टारगेट होगा स्विंग टारगेट, वो रहेगा 76.80 का, उसके बाद में 77.50 का और उसके बाद में 78 का। तो एक अच्छे खासे आपको लॉन्ग साइड के टारगेट मिल रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स व्यू रखना चाहिए और अगर आपको 75-80 के अराउंड मिलता है तो 20-30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हो। आपके टारगेट रहेंगे 76-80, उसके बाद में 77.50 और 78 रुपीज़, और मुझे लगता है कि ये टारगेट इसी महीने आ सकते हैं। यहाँ अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसी महीने नहीं आया तो अगले महीने तो बिल्कुल आएंगे। यहाँ प्राइस पैटर्न और जो अभी इंडिकेटर वाइज इंडिकेटर पैटर्न है वो दोनों ही बुलिश साइड है, वो दोनों डॉलर को सपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल बिल्कुल आने वाले दिनों में डॉलर में देखने को मिलेंगे। रुपी जो है तो एक ऑल टाइम रिकॉर्ड लो को जा सकता है। हमने मंथली चार्ट पे देखोगे आप तो ऑलरेडी हमने ऑल टाइम लो लगा चुके हैं 77.20 के अराउंड, और यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि 78 और इसके ऊपर की भी लेवल आपको आने वाले दिनों में रुपीज में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ जैसे इमर्जिंग मार्केट की करेंसी, उसमें जो सेल ऑफ चल रहे हैं उसके वजह से यहाँ भी प्रेशर हो सकता है, मगर हमारी बैंक जो है RBI वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रांग है, तो वहाँ जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छे तरह से जो है तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मगर फिर भी मार्केट का जो मोमेंटम है उसको वो ज़्यादा देर तो संभाल नहीं पाएंगे और ये एज़ कम्पेयर टू अदर हम फिर भी कम गिरेंगे, मगर गिरेंगे तो सही। और जिस तरह से ये करेंसी का मैंने जैसे कहा, करेंसी के ट्रेंड जल्दी से चेंज नहीं होते हैं और ये टारगेट करने के बाद ही आपको जो है तो उनमें जो है तो करेक्शन या करेक्टिव पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो है तो उसका टारगेट है 78.50, तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल आने वाले हफ्तों और महीनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको लॉन्ग साइड का व्यू रखना है डॉलर पे भी। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको करेंसी में शॉर्ट शॉर्ट कॉल्स चाहिए फ्यूचर्स में तो मेरी प्रीमियम सर्विस ले सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।